ये देखो छोटा सा बच्चा। आपकी एकेडमी के बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं? मेरे स्टूडेंट बिल्कुल। ठीक है, कहाँ पे सर ये ट्रेनिंग देते हैं? पटियाला अपना रेडिंग हाउस स्कूल है। ठीक है, करते बच्चे कल 20 मेडल ले साडे बच्चियां ने। ठीक है जी, हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली ट्रेनिंग दिवाई जांदी इत्थे विच ताडी एकेडमी विच? हां जी हां जी। ठीक है सर, स्पेशल भी खेल गया बच्चे मेरे तीन हूं दिल्ली 8 साल से। अच्छा 8 साल से बच्चे को ये हाफ फोर्स पे है ना, पहले आप अपनी एकेडमी में इनको सिखाते हैं सब कुछ? प्रॉपर हमने बना रखा हमारा बाजूबंद रेडिंग स्कूल है। ठीक है, 8 साल से बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, 8 साल से लेके 60 साल तक। सर फिर आगे जाकर क्या बच्चे इन जो इन फ्यूचर वो क्या मतलब कि क्या इन फ्यूचर? एक जो सरकारी जॉब है पुलिस होगी। ठीक है, आर्मड पुलिस होगी, बीएसएफ, सीआरपी। ठीक है, इन्हें जेकर बच्चे नु जॉब दा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है ना, बाकी बच्चे भी साडा पुराना कल्चर है जिदों आप बिल्कुल दूर हो रहे सी, कल्चर बरकरार रहेगा। ठीक है, थोड़े मतलब के इनका बच्चों का फ्यूचर अभी से ब्राइट है, आगे जाकर इनको गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से मिल जाए है ना। जो गवर्नमेंट ट्रेड करती है उसी ट्रेड करके दे रहे हैं। ठीक है, पहले मेरे दो लड़के सी आर्मी के अफसर, ओके, आईएम देर उन ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, वो भी और से रेडी के बच्चा मेरा छोटा है वो बॉम्बे होते कोच है, ओके, वो भी छोटे छोटे में जो मैं तैयार कीते हो आर्मी में सर। कहने का मतलब इनसे ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे सीधा ही फोर्सेस में जाते हैं, पुलिस फोर्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं ना। ठीक है, आर्मी में जाते हैं, बीएसएफ होगी, सीआरपी होगी, सब इनको इनका बहुत बेनिफिट है। हाँ जी, ये सर उन्हीं इनको बच्चों को ट्रेन करते हैं, इनकी अपनी एकेडमी है, बहुत बढ़िया, बच्चों को अच्छा इनका फ्यूचर आगे जाके बनेगा। ओके थैंक यू। एकेडमी सर जो पोलो ग्राउंड है उसे वाईपी स्कूल है, वाईपी स्कूल के अंदर ही है, उसे स्टेबल है, उसे अंदर घोड़े रहते हैं, उसे साढ़ा अंडर ग्राउंड है स्कूल के अंदर ही, स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे है ये स्कूल? ये वाईपीएस पटियाला है, फुहारा पोलो ग्राउंड के नाल ही है, पटियाले में बिल्कुल। ठीक है सर, आप अपना फ़ोन नंबर बोलेंगे? 7696088606। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, 7696088606। देखो दोस्तों ये ना सभी स्कूल के बच्चे हैं, सभी स्कूल के बच्चे हैं इनकी, आगे जाकर जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आगे जाके फोर्सेस में जाते हैं, पुलिस एकेडमी वाले ले लेते हैं इनको। ठीक है ना, इनका फ्यूचर बच्चों का अभी से ही ब्राइट है, इनका नाम बनेगा, ये क्या बनेंगे। लड़के भी हैं इसमें, लड़कियां भी हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवका। ठीक है, आपकी एज कितनी होगी? 10 ईयर की हो। पूरा शौक है आपको हॉर्स का, अच्छे से राइड कर लेते हैं? ये देखो ये बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं, सभी बहुत खुशी होती है ऐसी चीज़ देखकर। हेलो सर, सर आपके बच्चे? हाँ, मेरी डॉटर है। ठीक है, ओके, क्या एज होगी सर इसकी? 11 ईयर। ये आपका शौक था या इस बच्चों में इस फील्ड में ऐसे कराना? क्या मेरे को तो सिंगिंग का शौक था, शी लव स्पोर्ट्स। ठीक है, शी वांट टू बी इन दिस गेम, सो आई एम वेरी मच कीन दैट शी इज हैविंग पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। अरे ये क्या हो रहा है कि मतलब कि बच्चों के इवेंट हो रहे हैं, जिमखाना इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं इनमें? बॉल एंड बकेट रेस होती है, जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे और उनके पास एक बॉल होगी हाथ में, वो बॉल बकेट में डाल के वापस भगा के घोड़े को लेके जाएंगे। सर कौन सी एकेडमी या स्कूल है जहाँ ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है? पीपीएस नाभा में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, वाईपीएस पटियाला में भी, बुड्डा दल पब्लिक स्कूल, एक दो और स्कूल है पंजाब में। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन से और वहाँ यहाँ से बॉल लेकर आएंगे, वहाँ हाथ में बॉल होगी, हाथ में बॉल होगी और जो पहले इधर डालेगा वो विनर होगा। हाँ जी, लाइन फिर फिनिश लाइन दोबारा क्रॉस करवानी है, इसमें डालकर और
ठीक है भैया, इसमें एज का फैक्टर नहीं होता कि है, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री की। ठीक है, ग्रुप वन में क्या होता है वैसे, कितने साल के बच्चे होते हैं? ग्रुप वन में जो बच्चे हैं सीनियर बच्चे हैं, और ग्रुप टू में उससे नीचे ठीक है। कितनी एज का बच्चा मतलब की पार्टिसिपेट करता है? कोई बच्चा भी कर सकता है वो ग्रुप थ्री में। नहीं नहीं, एक मतलब की एज होती है ना कोई 5 साल का 8 साल का? हाँ, जो राइड कर सकता है, जो राइड कर सकता है वो करेगा, वो कर सकता है। ठीक है ठीक है, कोई भी बच्चा जो हॉर्स को राइड कर सकता है। अभी दोस्तों अभी ये भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, उधर गया, अपनी अपनी लाइन में आएंगे और यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, और ये बाहर चलेगी ना एक की? हाँ जी। बच्चों के इवेंट से सर जी, तो आपका नाम क्या भैया? मेरा गुरजपाल सिंह गिलसरानिया। ठीक है, तो ये कैसे स्पोर्ट्स कितने होते रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो अभी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर इससे भी बढ़िया होएगा। ठीक है। हाँ जी, स्पॉन्सर्स हैं ये हमारे दीपेंद्र सिंह बराड़, इन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया है, हरजिंदर सिंह खोसा, ये सभी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, शो जंपिंग, टेंट पैकिंग। ठीक है, और कैसे इसमें स्पोर्ट्स और भी होते हैं इसमें? स्पोर्ट्स, हाँ जी, इसमें इवेंट्स काफ़ी हैं, और शो जंपिंग, नॉकआउट, मेडली रिले, रेस्क्यू रिले, और नॉर्मल शो जंपिंग, टेंट पैकिंग हो रही है, सारे इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं? अभी ये रिले के लिए 3 बजे हमारा इवेंट है। ठीक है, रिले करेंगे। हाँ जी, उसमें पहले शो जंपिंग, उधर जंप करके यहाँ से टेंट पैकिंग, पोल बेंडिंग, ये सभी वो रिले, सारे इवेंट का मिक्सचर है, मतलब काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स हैं इसमें, हॉर्स में। हाँ जी, ठीक है ठीक है। छोटा सा हमारा हॉर्स राइडर बेटा, नाम क्या है आपका? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, क्या एज है आपकी? मेरी एज है 9। ठीक है, आप राइडिंग करते हो? हाँ जी। ठीक है, कौन सी एकेडमी या स्कूल आपका? मेरा है YPS। YPS बेटा आपका? ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं पटियाला। ठीक है, आप भी राइड करते हो? हाँ जी, मैं भी राइड। अभी क्या आपने विन किया है? हाँ जी, मैं फर्स्ट पोजीशन आया, फर्स्ट पोजीशन पे, बॉल एंड बकेट। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी 15। ओके, कौन सी एकेडमी आपकी? मैं वैसे मेरा स्कूल है गुड़गांव में, मगर वैसे मैं खेल रहा हूँ बुड्ढा दार की तरफ से। ठीक है, ये शौक कब से आपको कि मैंने इस हॉर्स राइड करनी है? बचपन से है शौक। बचपन से है, और राइडिंग मैंने अभी राइडिंग करते को 2 साल हुआ है। ठीक है, मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ जी, मम्मी पापा ने पूरा। बोला नहीं बच्चे अभी छोटे हो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला? नहीं, कहता तेरा शौक है तो पूरा करो। ठीक है, आपके मम्मी पापा भी आए हैं? हाँ जी, मेरे पापा। ठीक है, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बच्चे आपके कर रहे हैं, देखा है मैंने तो। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा खेलता है। ठीक है, क्या आपका मतलब कि आपका ड्रीम था या बच्चे का शौक था ऐसे इसमें? बच्चे का ही, जब स्कूल में गया तो इसने स्टार्टिंग से ही हॉर्स राइडिंग करना शुरू किया, ड्रीम तो इसी का है जिसने खेलना है। ठीक है, मतलब आपकी पूरी सपोर्ट है? हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला नहीं एक बार बच्चे गिर जाएगा चोट लग जाएगी कुछ नहीं? शुरू में था छोटा था जब, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया तो बड़ा अच्छा लगने लगा हमें भी। ठीक है, तो मतलब कि आगे जाके इनको कैसे आगे फ्यूचर में कैसे जॉब का क्या है, वो क्या होता है एकेडमी वाले? तो खेलेंगे अपना, पहले तो स्पोर्ट्स ही है ना। स्पोर्ट्स क्यों है ना, आफ्टर दैट स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है कुछ भी हो, क्लब से साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे? ठीक है, ठीक है, इनका फ्यूचर क्या करेंगे बच्चे? ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके।